टी20 विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर हुआ और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर एक भी टी20 इंटरनेशनल न जीतने का अपना शर्मनाक रिकॉर्ड बरकरार रखा है। टी20 वर्ल्ड कप में बीती रात उसे जिम्बाब्वे ने करारी शिकस्त दी। अपने खराब दौर से गुजर रही जिम्बाब्वे टीम के लिए जीत ऐतिहासिक है। ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब इस अफ्रीकी टीम ने टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को हराया। जिम्बाब्वे ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे टेस्ट प्लेइंग नेशंस को पटखनी दी थी। अब इस बड़े उलटफेर के बाद पूरा जिम्बाब्वे जश्न में डूबा हुआ है। खुद खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर नाच गाना किया। आपको बता दें कि सुपर 12 के बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत हार का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जिम्बाब्वे की टीम शॉन विलियम्स के 31 रन से 8 विकेट पर 130 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट पर 129 रन ही बना सके। इस हार के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। भारत के खिलाफ हार में मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर डाला था। इस बार भी वो 18 गेंद में 22 रन बनाने के बाद आखिरी ओवर में दो बॉल बाकी रहते आउट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान को हार मिली। पाक टीम की ये दो मैचों में लगातार दूसरी हार है। ऐसे में उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बहुत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान को अभी नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश से खेलना है। पाकिस्तान को इन तीनों मैचों में जीत मिलती है और उसके बाद उसके 6 पॉइंट होंगे। दो मैचों के बाद भारत को 4 पॉइंट और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के 3-3 पॉइंट हैं। दक्षिण अफ्रीका को अभी नीदरलैंड, पाकिस्तान और भारत के खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान को अपने तीनों मैच जीतने के साथ ही उम्मीद करना होगा कि दक्षिण अफ्रीका दो मैच हार जाए। अगर ऐसा होता है तभी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद रहेगी। पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश भी एक से ज्यादा मैच नहीं जीते। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी की और ओपनर वेस्ली माधवेरे ने 17 रन 13 गेंदों में बनाए और कप्तान क्रेग इरविन ने 19 रन का योगदान दिया और 5 ओवर में 42 रन की शानदार साझेदारी की। हालांकि एक रन के भीतर दोनों ओपनर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी उनकी लड़खड़ा गई। खासकर शादाब खान ने शानदार गेंदबाजी की और मोहम्मद वसीम ने धारदार गेंदबाजी पाकिस्तान की तरफ से की, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 ओवर में महज 129 रन ही बनाए और इस तरीके से पाकिस्तान को इस बड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने ऐसा जश्न मनाया कि पूरा पाकिस्तान रोता नजर आया। फिलहाल पाकिस्तान की इस हार और जिम्बाब्वे की शानदार जीत पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।